आज फिर से हमारे प्रिय स्वामी जी के पास आए हैं परम गौ भक्त हमारे स्वामी जी संत श्री जी। स्वामी जी आज मैं आपसे रामायण की जो एक बहुत ही इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये जो तुलसीदास जी ने लिखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी, तो इसमें स्वामी जी लोगों को ये गलत तरीके से भ्रमित हो रहे हैं, कुछ आप इसको मतलब सही से एक्सप्लेन करके मतलब दर्शकों को बताइए। देखो इसमें सरल सा विषय है जी स्वामी जी कि अधिकारी शब्द आया है और जिसने त्रुटि की है वो कह रहा है, ये बात न तो राम जी ने कही है, न सीता जी ने कही है, न हनुमान जी ने कही है। समुद्र ने कोई गलती की और जब राम जी ने क्रोध किया तो समुद्र ने कहा प्रभु हम तो ताड़ना के अधिकारी है, यानी कि सीख के अधिकारी, आप हमें सीख दीजिए, हम पर क्रोध मत करिए, हमें जिस चीज़ की जानकारी नहीं है वो जानकारी दीजिए। ढोल जो विषय है, ढोल को भी बजाने से पहले सीखना पड़ता है कि उसको सलीके से कैसे बजाया जाए। गंवार का अर्थ किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष से नहीं है, गंवार का शाब्दिक अर्थ होता है जिसने विधिवत शिक्षा नहीं ली। जो अशिक्षित है वो शिक्षा का अधिकारी है, जिसने शिक्षा ले ली वो अधिकारी नहीं बचा, उसका तो कर्तव्य शुरू हो जाता है। जो शिक्षित हो चुका है उसका कर्तव्य शुरू हो जाता है दूसरों को शिक्षा देना, शिक्षा का अधिकारी कौन? जो अशिक्षित है। तो गंवार शब्द का वास्तविक अर्थ जिसने पढ़ाई नहीं की, वो बालक भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है और वृद्ध भी हो सकता है। अशिक्षित को जानकारी नहीं होती और जिसको जानकारी नहीं हो उसको गंवार कहा जाता है, तो हमें जानकारी दो जी। शूद्र, शूद्र का अर्थ कई मायने में अलग अलग जगह अलग अलग आता है। शूद्र वस्तु तो किसी जाति के लिए नहीं है, शूद्र का अर्थ भी जो पराक्रमी भी नहीं है, अधिक परिश्रम भी करने की स्थिति में नहीं है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बुद्धिमत्ता की भी कमी है, वो किसी भी जाति का हो सकता है। लोग इनको जातियों में बांट रहे हैं, वस्तुतः चार वर्ण जो हैं। ब्राह्मण कौन? जिसके पास सभी प्रकार का ज्ञान है। क्षत्रिय कौन? जिसके पास शौर्य है और वो बाकी सबकी रक्षा कर सकता है। वैश्य कौन? जो बुद्धिमान है और अपने सहयोगियों का पेट भर सकता है। उसी प्रकार शूद्र कौन? जिसमें बहुत अधिक पराक्रम भी नहीं है, जिसके पास बहुत अधिक धन भी नहीं है और जिसके पास बहुत अधिक बुद्धि भी नहीं है, प्राकृतिक कारणों से ऐसा कई लोगों के साथ होता है। तो वो फिर सीख चाहता है कि भाई हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन आसानी से निकले, हम में बुद्धि भी ज़्यादा नहीं है, हमें पराक्रम भी नहीं है, हम व्यापार नहीं कर सकते, हम किसी को पढ़ा भी नहीं सकते, हम किसी की रक्षा भी नहीं कर सकते, तो हमारे लिए क्या सीख है। और नारी, नारी का अर्थ भी यहाँ पर अबोध से है, क्योंकि जिस समय ये चौपाई लिखी गई थी उस समय नारी शिक्षा का कुछ कारणों से भारत में अभाव हो चला था। यूँ तो भारत में गार्गी जैसी, अनुसुईया जी जैसी और अपने जो जगतगुरु शंकराचार्य जी से जिनकी चर्चा हुई थी, मंडन मिश्र की पत्नी विद्या भारती, ऐसी महान नारियां हुई शिक्षित क्षेत्र में। लेकिन जिस समय तुलसीदास जी भारत में हुए उस समय मुगलों का शासन था और माताओं का करीब करीब भय के कारण घर से निकलना कम हो गया था, इस कारण कई माताएं शिक्षा नहीं ले पा रही थी, इसलिए उन्होंने उस समय नारी जो शिक्षा नहीं ले पा रही थी उनके लिए लिखा कि वो भी अधिकारी है शिक्षा की, उनको न रोका जाए। हम ताड़न के यानी कि सीख के उद्धार के, हमारी तरफ आप ताड़न का एक अर्थ अवलोकन भी होता है, हमें देखो ये भी एक अर्थ होता है ताड़न का। ताड़न का अर्थ पीटना कहीं भी नहीं है, प्रताड़ना कहीं भी नहीं है। अच्छा अगर होता तो कोई ये कहता कि हम प्रताड़ना के अधिकारी है? अगर कहता तो यूं कहता हम प्रताड़ना के पात्र हैं। ये कहा जा सकता अधिकार यानी कि जो मांग करके ली जाने वाली चीज है वो तो कोई अच्छी चीज ही ली जाएगी, हल्की चीज के लिए मांग कैसे हो सकती है जी। तो हम उद्धार के अधिकारी हैं, सीख के अधिकारी हैं, लाभ के अधिकारी हैं, न कि ताड़ना का अर्थ यहाँ मारने के या पीटने के अधिकारी। आप ढोल को पीटोगे भूल जाएगा, कैसे ढोल अधिकारी पीटने का हो सकता है? उसको सलीके से बजाने की बात कही है, उसकी अवैध तरीके से पिटाई की बात नहीं कही गई है जी। तो ये जो सारी चीजें हैं वस्तुतः, एक तो संदर्भ सबसे बड़ी बात कि जिसको चाहिए वो मांग रहा है। अगर राम जी कहते थे कि तुम पिटाई के अधिकारी हो तो बात अलग, खुद कह रहा है कि हम इस चीज के अधिकारी हैं, तो कोई व्यक्ति चल करके अपने लिए पिटाई क्यों मांगेगा जी। तो जो लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को सांगोपांग पढ़ा है, न उस संदर्भ को जानते हैं, न उनको व्याकरण का ज्ञान है, और
बस अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में अथवा सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने के चक्कर में अथवा वोट बटोरने के चक्कर में इस प्रकार की चर्चाएं जो लोग करते हैं, उन लोगों को एक बार शांति से रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, निधि ध्यान की आवश्यकता है, तभी उनको कुछ अच्छा समझ में आ सकता है। धन्यवाद स्वामी जी।